वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र में कछुआ को शुभ माना गया है। भगवान विष्णु के स्वरूप में कछुआ को मानना उत्तम फलदायी होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के घरों में छोटा सा धातु का कछुआ जरूर रखा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार धातु का ये छोटा सा कछुआ घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। लोग क्रिस्टल, तांबा या चांदी जैसी धातुओं से बना कछुआ अपने घरों में रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में कछुआ होता है वहाँ कभी भी रुपए पैसों की तंगी नहीं आती। आप चाहे तो इसे घर के अलावा ऑफिस या किसी दुकान में भी रख सकते हैं। इससे आपका लाभ भी दुगना बढ़ जाएगा, व्यापार में भी नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घर या व्यापार स्थान पर कछुआ कब लाना चाहिए और इसे कैसे स्थापित करना चाहिए। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कछुआ कब लाना शुभ होता है। पूर्णिमा तिथि को कछुआ लाना शुभ होता है। दीपावली, अक्षय तृतीया या किसी विशेष पर्व पर लाना शुभ होता है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की शुभ तिथि पर लाना शुभ होता है। कछुआ लाने के बाद उसे दूध से भरे पात्र में एक दिन रखें। अगले दिन अभिजीत मुहूर्त में दूध के पात्र से निकाल लें। पानी से भरे पात्र में कछुआ रखें। हर दिन पात्र का पानी बदलें। कछुआ में भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का ध्यान करें। 11 बार ओम श्री कूर्माय नमः मंत्र का जप करें। कछुआ को उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। कछुआ का सिर घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इसी तरह व्यापार स्थान पर कछुआ स्थापित करें। घर और व्यापार स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धन से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण होता है। शास्त्रों में बताई गई तिथि और मुहूर्त में ही कछुआ स्थापित करने से घर में सुख शांति आती है। सच्चे मन, मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्यों में हमेशा सफलता प्राप्त होती है। बता दें कि कछुआ भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु के इसी अवतार ने अपनी पीठ पर पर्वत को उठाया था। इसके बाद ही समुद्र मंथन संपन्न हो पाया था। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में कछुआ रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में चल रही सारी दिक्कतें अपने आप खत्म होने लगती हैं। कछुआ भगवान विष्णु का अवतार है। शास्त्रों के अनुसार घर में धातु का कछुआ हो तो लक्ष्मी जी वास करती हैं। आइए अब आपको बताते हैं किस तरह का कछुआ स्थापित करना शुभ होता है। व्यापार स्थल पर सोने या चांदी का कछुआ रखें। व्यापार में उन्नति होती है और धन लाभ होता है। घर में क्रिस्टल का कछुआ रखना शुभ होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। बच्चों की पढ़ाई के स्थान पर पीतल का कछुआ रखें। पढ़ाई में मन लगता है और नजर दोष दूर होता है। घर में बीमारियां रहती हैं तो मिट्टी का कछुआ स्थापित करें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक इस तरह के कछुआ को घर और व्यापार स्थान पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। घर और व्यापार स्थान पर माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की कमी नहीं रहती। इस तरह आप भी अपने घर और व्यापार स्थान पर विधि विधान के साथ कछुआ स्थापित करके उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन। स्तुति।